Welcome, my dear students. Today, in revision, we are going to discuss the poem letter. हमने पढ़ा है, अब इसके क्वेश्चन आंसर और इसका रिविजन देख लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द पोइट राइटिंग अ लेटर टू. तो पोइट लेटर किसको लिख रहा है, हमने पोएम पढ़ा है. तो जो पोइट है वो लेटर किसको, अपने माँ को लिख रहा है. सो द पोइट इज राइटिंग द लेटर टू हर मदर. वो किसको लिख रही है, अपनी माँ को लेटर लिख रही है. हु इज द पोइट राइटिंग अ लेटर टू, द पोइट इज राइटिंग द लेटर टू हर मदर, वो अपनी मदर को लिख रही है. नाउ सेकेंड क्वेश्चन जो है टिक द करेक्ट है. थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं. व्हाट इज अ ब्लॉटिंग पेपर, व्हाई डू वी यूज अ ब्लॉटिंग पेपर. ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं, ब्लॉटिंग पेपर को क्यों यूज करते हैं. ब्लॉटिंग पेपर इज अ सॉफ्ट थिक पेपर विच इज यूज टू ड्राई इंक सो दैट द वर्क लुक्स नीट. तो ब्लॉटिंग पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो इंक को सुखाने के काम आता है, ताकि जो लिखा हुआ है वो साफ सुथरा दिख सके, है ना. तो पहले के ज़माने में क्या है, वो इंक वाले पेन चलते थे, तो ब्लॉटिंग पेपर से इंक को सुखाया जाता था. सो पोइट ने जो है लेटर उस इंक वाले पेन से लिखा है. तो इसी विषय में बात हुई कि ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है, एक पेपर होता है जिससे टू ड्राई इंक, इंक को ड्राई करने के लिए, दैट द वर्क लुक्स नीट, ताकि अपना काम साफ सुथरा दिख सके. ठीक है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट डू आफ्टर द इन्वेलप इज रेडी. जब इन्वेलप रेडी हो जाता है तो पोइट क्या करता है, मतलब जब लेटर इन्वेलप में ना लेटर को अंदर डालते हैं लिफाफे में, उसको इन्वेलप बोलते हैं. तो जब इन्वेलप रेडी हो जाता है तो पोइट क्या करता है, द पोइट पुट्स द स्टाम्प ऑन इट, यानी पोइट उसके ऊपर स्टाम्प लगाता है एंड रन्स टू द पोस्ट ऑफिस टू मेल इट, और दौड़ के पोस्ट ऑफिस जाता है ताकि इसको मेल कर सके. ठीक है. नाउ इसमें सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट पेन ट्रेवल स्लोली. पोइट का पेन धीरे क्यों चलता है, तो चार ऑप्शन है. सो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, सी वांट्स टू कीप द लेटर नीट, यानी वो लेटर को साफ सुथरा रखना चाहती है, इसलिए वो पोइट आराम आराम से लिखती है, है ना. फोर्थ क्वेश्चन में, हाउ मेनी किसेज डज द पोइट गिव टू हर मदर. पोइट ने अपनी मदर को कितने किस भेजे हैं. सो करेक्ट आंसर इज 10. कितने भेजे, 10. उसी तरह सिक्स क्वेश्चन, रीड द लाइन केयरफुली. आई एम राइटिंग अ लेटर टू सेंड बाय द पोस्ट, इट इज टू द पर्सन आई केयर फॉर द मोस्ट. तो इसमें राइमिंग वर्ड पे अंडरलाइन करना था, तो पोस्ट और मोस्ट दोनों राइमिंग वर्ड है जिसपे हमने अंडरलाइन कर रखा है. ठीक है. सो इस तरीके से है. फिर आपके ग्रामेटिकल पोर्शन जो है पीछे, उसमें हम देखें तो सबसे पहले मैच टू मेक कम्प्लीट सेंटेंस आता है. तो सबसे पहला ही गोट अप इन टाइम, यानी वो जल्दी उठता है, तो इसको मैच किसके साथ करना है हमको, फर्स्ट को इसके साथ, ही वॉज लेट फॉर ऑफिस. तो वो ही गोट अप इन टाइम, ही वॉज लेट फॉर. तो अगर वो ऑल्दो ही गोट अप इन टाइम, इसको जोड़ के अपने को सेंटेंस बनाना है. ठीक है. सो ऑल्दो ही गोट अप इन टाइम येट ही वॉज लेट फॉर ऑफिस, यानी वो जल्दी उठता है फिर भी ऑफिस में लेट पहुंचता है. फिर ऑल्दो द कार हैड अ पंचर, चूँकि कार के एक पंचर था, येट फिर भी वी रीच्ड इन टाइम, फिर भी हम समय में पहुंच गए. ऑल्दो द चिल्ड्रन वेंट टू द जू, चूँकि बच्चे जू गए हैं, येट फिर भी दे कुड नॉट सी मेनी एनिमल, लेकिन वो वहाँ पर फिर भी बहुत सारे एनिमल्स को नहीं देख पाए. इट इज़ रेनिंग हैविली, ऑल्दो इट इज़ रेनिंग हैविली, चूँकि बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही है, येट फिर भी द बॉयज़ आर इन द पार्क, इतनी तेज़ बारिश में भी लड़के पार्क के अंदर हैं. ऑल्दो शी इज़ वेरी यंग, चूँकि वो बहुत जवान है या छोटी है, शी नोज़ हाउ टू पोस्ट अ लेटर. वो यंग है मतलब बहुत छोटी है, फिर भी वो जानती है कि लेटर को कैसे पोस्ट किया जाता है. ठीक है. इसी तरह आपके कंप्लीट द सेंटेंस, कंप्लीट दिस सेंटेंसेस में, ऑल्दो द बैग वॉज हैवी येट ही वॉक्ड क्विकली, चूँकि बैग भारी था फिर भी वो तेज़ी से चलता गया. ऑल्दो द वाटर वॉज कोल्ड, चूँकि पानी ठंडा था, येट ही जम्प्ड इनटू द पूल, फिर भी उसने पूल में जंप लगा दिया. ऑल्दो ही लॉस्ट हिज मनी, चूँकि उसका पैसा गुम गया था, येट फिर भी येट ही वॉज नॉट डिस्करेज, फिर भी उसने कोई चिंता नहीं की. ऑल्दो ही हैड नो टाइम, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है,
येट ही वेंट टू द सर्कस, फिर भी वो सर्कस गया। ऑल्दो इट वॉज डिफिकल्ट पेपर, ये बहुत ही कठिन पेपर था, येट फिर भी ही कुड सॉल्व इट इजीली, फिर भी उसने उसको बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। सिक्स से ऑल्दो ही वॉज गेटिंग लेट, चूँकि वो लेट हो रहा था, येट ही रीच इन टाइम, फिर भी वो टाइम पे पहुंच गया। सिक्स से फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ऑल्दो एंड येट, आपको फिलअप देखने जिसमें ऑल्दो एंड येट पुटअप करना है, फिलअप करना है। फर्स्ट ए डैश द टोर्टोइज वॉज स्लो, डैश ही वन द रेस। सो क्या है, ऑल्दो द टोर्टोइज वॉज स्लो, चूँकि कछुआ बहुत स्लो था, येट फिर भी ही वन द रेस, फिर भी वो रेस जीत गया। द कार वॉज स्मॉल, येट वी ऑल फिटेड इन, चूँकि कार छोटी थी फिर भी, येट है ना, फिर भी हम उसमें आ गए। माई ब्रदर गेव मी हिज सैंडविच, मेरे ब्रदर ने उसका सैंडविच मुझे दिया, ऑल्दो ही हिमसेल्फ वॉज वेरी हंग्री, चूँकि वो खुद भी बहुत भूखा था, फिर भी उसने अपना सैंडविच मुझे दे दिया। दे कैरीड एन अम्ब्रेला, उसके पास एक अम्ब्रेला, येट दे गोट वेट इन द रेन, फिर भी वो बारिश में, इन्हें कोई रीज़न बताने के लिए हमको हमेशा येट लगाना पड़ता, फिर भी वो बारिश में गीला हो गया। द लास्ट है डैश द फूड वॉज डिलीशियस आज कुड नॉट ईट मच, ऑल्दो द फूड वॉज डिलीशियस आई कुड नॉट ईट मच, चूँकि भोजन बहुत स्वादिष्ट था फिर भी मैं ज़्यादा नहीं खा पाया। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो पोएम है इसका रिविज़न है, आपको अच्छे से इसको बाय हार्ट करना है, पढ़ना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।